इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां सृजन घोटाले को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लालू की पार्टी आरजेडी ने नीतीश और बीजेपी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू की पार्टी नीतीश पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रही है। आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, अंदर तो बाढ़ पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई, जो बाढ़ में जिन्होंने अपनी जान खो दी, लेकिन बाहर देखिए किस तरह से विधानसभा के बाहर आरजेडी ने मोर्चा संभाला और बैनर और पोस्टर के साथ सीधे निशाना साधा नीतीश कुमार पर और उनके इस्तीफे तक की मांग की। इन तस्वीरों में आप भाई वीरेंद्र को देख रहे हैं, जिनके तीखे तेवर आज साफ नजर आए। विधानसभा के बाहर आरजेडी ने किया जबरदस्त हंगामा और इसके केंद्र में सृजन घोटाले का सियासी संग्राम, जिसमें आरजेडी की तरफ से खुद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर साध रहे हैं निशाना। ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें और इसी मुद्दे पर बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, जहां आरजेडी हमलावर रही नीतीश कुमार पर। सृजन का एक के यार नीतीश कुमार, सृजन का एक के यार नीतीश कुमार और इसके साथ ही एक और पोस्टर आप देख रहे हैं, नीतीश सुशील। यानी जिस नारे को लेकर के नीतीश और सुशील की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की, बस उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है आरजेडी द्वारा एक हथियार के तौर पर बिहार की सियासत में। नहीं नहीं, हम लोग चाहते हैं, आप तो जानकारी है आपको, आप ही इस्तीफा मार रहे थे तेजस्वी से, यही सेम घोटाला है, सेम घोटाला, महा घोटाला नीतीश कुमार के साथ 2005 से घोटाला हो रहा है। आ जानकारी है 2000 उनको 2009 से जानकारी है नीतीश कुमार के, 12-13 को चिट्ठी आया है उनको शुरू से कि यही पर घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। देखिए बाकी चुप लगाए हुए थे, चुपकी साधे हुए थे नीतीश कुमार के, शर्म आना चाहिए नीतीश कुमार को। सेम केस लालू जी के था, वो इस्तीफा करवा के सैनिक सेना के बुलाया गया था, सेना के बुलाया गया था, शर्म आना चाहिए। बिहार की जनता कभी नीतीश कुमार के माफ नहीं करेगा, चिरू पानी में डूब मरना चाहिए, रिजाइन करके आज जांच कराओ सीबीआई से। आप भी उस समय में मुख्यमंत्री थी जिस समय में वो आया था, हुआ था तो हम लोग तो जांच में है, हमारे ऊपर सारा लोग मिल के हम के ऊपर डीए केस है, 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तो हमारे पर डीए केस करवाए थे, वो घोटाला के लेकर डीए केस करवाए थे। लालू जी इस्तीफा दिए, सेना को दानापुर के छावनी के बुलाया गया था। 20 महीने आपकी भी सरकार थी महागठबंधन की, मुंह दिखाया लायक नहीं है नीतीश कुमार। 20 महीने आपकी भी सरकार थी, तेजस्वी यादव आपके लड़के थे, 20 महीना तेजस्वी के किस आधार पर इस्तीफा मांगा जा रहा था? सरकार थी आपकी, तेजस्वी के किस आधार पर, किस आधार? खजाना लुटाया था, खजाना लुटाया था सरकारी। अच्छा, एक विभाग में, जो विभाग में था वो खजाना लुटाया था। एक आरोपी की मौत हो गई है, उसका बेटा जेडीयू का नेता है, उस पर तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। व्यापक घोटाला जो हुआ है मध्य प्रदेश में, उसी हाल बिहार में करना चाहिए, जे जे सबके मरवाएंगे ही, लिपापोती करवा रहे हैं बिहार सरकार के पुलिस से, लिपापोती करवा रहे हैं बिहार के। सीबीआई आपकी मांग थी, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, आने वाला टाइम में जवाब मिलेगा, बिहार की जनता देगा। आपकी मांग थी सीबीआई जांच की, वो तो हो गया। सीबीआई कहाँ जांच कर रहा है अपना, अभी तो रोक लगाना चाहिए, जब सीबीआई के दे दिए तो यहाँ बिहार पुलिस से क्यों जांच लिपापोती करवा रहे हैं, कागज चोरवा रहे हैं, महा घोटाला चोर, महा घोटाला, राबड़ी गद्दी चोर, खजाना चोर, गद्दी चोर, सदन चलने दीजिए। जाहिर है कि राबड़ी देवी पूरी तरह से गुस्से में है और इनकी मांग है कि सीबीआई जांच तो हो ही रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही इस जांच को अंजाम दिया जाए। फिलहाल एक बात और साफ है कि जिस तरीके से 20 महीने की सरकार महागठबंधन की रही है, उस वक्त कभी हंगामा नहीं हुआ। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो उस वक्त भी ये घोटाला चल रहा था। सवाल ये है कि क्या ये सियासी चाल है, क्या ये राजनीतिक सरगर्मी है, इसमें कुछ नेता भी शामिल हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ नेताओं और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, प्रशासन के लोग शामिल थे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।
तो बेहद तीखे तेवर राबड़ी देवी के नजर आए और उन्होंने कहा कि आखिर जिस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा था, आज उसी मुद्दे पर नीतीश कुमार चुप क्यों है। नीतीश कुमार की संलिप्तता की बात आरजेडी कर रही है सृजन घोटाले में, लेकिन सरकार सभी आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि इस मामले की जांच हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राबड़ी देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उसके बेटे से इस्तीफा मांगा गया तो वो अब सीधे सुशील मोदी और नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी संजय सिंह। संजय जी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी से सीधा इस्तीफा सृजन घोटाले में, किस बात का इस्तीफा? सृजन घोटाला हुआ तो नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले सीबीआई जांच करने का आदेश दिया। वही कहावत है, चोर बोले जोर से। करोड़ों करोड़ों का घोटाला कर बेनामी संपत्ति अर्जित करने के बाद आज वो पब्लिक डोमेन में आके बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे। अरे कोई मायका लाल नीतीश कुमार जी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। जिस व्यक्ति समाज के लिए, बिहार के लिए 18 घंटा काम करता हो, उस व्यक्ति के ऊपर लालू जी का आरोप लगाना गलत है। एक जेडीयू का नेता भी शामिल था, उसके पिताजी हैं, वो नाजिर थे। और आपको लगता है कि बड़े और भी नेता इसमें आ सकते हैं, सभी पार्टियों के नेता इसमें आ सकते हैं? देखिए, आप सच कहें, हमारे जिला का युवा का अध्यक्ष था। जब ये घोटाला जब सामने आया तो सबसे पहले जदयू ने इसको हटाने का काम किया। तो आप मानते हैं कि इसमें नेता लोग भी शामिल हैं, सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल? सीबीआई जांच करेगी इसमें जो भी आदमी होगा, जो भी आदमी, कितना बड़ा भी रसूख वाला व्यक्ति होगा। ये नीतीश कुमार जी का राज, 90 का दौर नहीं है लालू जी, 90 का दौर नहीं है। सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। और इस बीच बिहार में सृजन घोटाले के एक आरोपी की मौत के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। कल्याण विभाग के कर्मचारी जिस महेश मंडल की मौत हुई है, वो भागलपुर में जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव मंडल के पिता थे। घोटाला सामने आने के बाद शिव मंडल को नीतीश की पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था। तो इन तस्वीरों में आप जिस महेश मंडल को देख रहे हैं, उनकी मौत हुई भागलपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान, किडनी की बीमारी से परेशान थे और गिरफ्तारी उनकी हुई थी 13 लोगों सहित। और बाद में ये खुलासा होता है कि जेडीयू के भागलपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव मंडल के पिता ये थे, शिव मंडल महेश के जो कि बेटे हैं। और जब ये पूरा मामला सामने आया, शिव मंडल को बाहर का रास्ता जेडीयू की तरफ से दिखा दिया गया, जिसे आज जब आरजेडी की तरफ से हमला किया जा रहा है जेडीयू पर, तो जेडीयू कह भी रही है कि शिव मंडल का जैसे ही हमें पता चला, हमने उन्हें सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जिस आरोपी की मौत हुई है वो जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव मंडल के पिता महेश मंडल हैं। किडनी की समस्या से परेशान थे, उनकी भागलपुर के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी दौरान उनकी मौत हुई। प्रशासन ने उसको कस्टडी किया था, वहाँ से जेल प्रशासन ने उसको नहीं दिया आई डायलिसिस करने के लिए। क्या डायलिसिस जो उसका 3 रोज में होता था, वो डायलिसिस नहीं हो सका। कितने कितने दिन में डायलिसिस होता था? 3 दिन 2 दिन नहीं हुआ। नहीं हुआ नहीं। आप लोग बोले? जी हाँ, डीएम यहाँ, एसपी साहब के यहाँ था, तो एसपी साहब ऑर्डर दिए थे, तो 1 रोज कराए थे हम लोग वहाँ अरुण बाबू के यहाँ, वहीं होता था डायलिसिस उसका। जेल जाने के बाद डायलिसिस रुक गया, इसी कारण तो ऐसा हुआ। तो बिहार में सृजन घोटाले पर छिड़ा है जबरदस्त सियासी संग्राम। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।